हेलो, हमने लास्ट टॉपिक में पॉइंटर्स पढ़ा था, तो आज हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल एरे के फॉर्म में करेंगे। एरे कैसे कैसे पॉइंटर्स से के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एरे क्या है, एरे क्या होता है आपको पता है? एरे इज अ कंटिन्यूअस, एरे क्या है, एरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। Array is a continuous memory allocation for all element, ठीक है, for all element। जो भी array, supposing मैंने decide किया, मैंने लिखा A5, ठीक है, A5 का मतलब क्या हुआ? A5 integer data type होगा, A उस array का नाम होगा, मैक्सिमम फाइव एलिमेंट उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। अभी जब भी स्टोर किए जाएंगे एरे, सपोजिंग यहां पे हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये हमारे पांच नंबर्स है जो हमने एरे में स्टोर किया। अभी कैसे कैसे स्टोर होंगे, सबसे पहले A0, फिर A1, A2, A3, A4, ठीक है। A1 में ये आपका वैल्यू का देते, ये वैल्यू हमने दिया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे वैल्यू जाएगी इन स्टार्टिंग फ्रॉम A0। A1 में कितनी है 2, A2 में कितनी है 3, A3 में कितनी है 4, A4 में कितनी है 5। अब यहां पे एड्रेस सपोज कर लेते हैं, ये एड्रेस है इसका 1000, ठीक है, ये हमने मान लिया अपने आप से इसका एड्रेस है 1000। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर में कितनी बाइट्स का होता है एक ब्लॉक, 2, इसकी लेंथ कितनी होगी ब्लॉक की 2 बाइट्स, तो इसका लेंथ इसका क्या हो जाएगा 1002, 1004, 1006, 1008, ये चीज समझ पा रहे हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया है जो पहला ये जीरो होगा वो हमारा 1000 मेमोरी एड्रेस पे होगा, तो नेक्स्ट जो एरे का एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा बाय डिफॉल्ट 1000 प्लस 2। 2 क्यों प्लस किया, क्योंकि जो इस ए जीरो का साइज है ब्लॉक का इसे 2 बाइट का है, तो नेक्स्ट प्लस 2, ठीक है। दिस इज एरे, ये आपका एरे है। अब हम अगर पॉइंटर भी इसी में लगाने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इफ पी इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर पॉइंटर, इफ पी इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर पॉइंटर, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया पी, देन एरे then array A can be pointed, A can be pointed by P equals to A, or कैसे P equals to and A 0, ठीक है। मतलब अगर आपने if P को integer pointer की तरह declare कर दिया है तो आप array की तरह कैसे point कर सकते हो, P equals to A, ए की जो वैल्यूज होंगी वो पी में जाएंगी, पी आपको पॉइंटर है तो, लेकिन आपको पी में देना क्या पड़ेगा, पी में हम एड्रेस पास करते हैं, किसका एड्रेस पास करेंगे ए ऑफ जीरो, ए जीरो क्या है उस एरे का बेस एड्रेस, एम्परसेंड क्या एड्रेस होगा, तो ये क्या करेगा पी में पॉइंटर में क्या करेगा, पूरे एरे का जो पहला एड्रेस होगा यानी कि ए जीरो का एड्रेस, यानी कि बेस एड्रेस जिसको बोलते हैं, बेस एड्रेस का मतलब जहां से एरे आपका स्टार्ट हुआ फिलिंग हुआ, ठीक है। तो ये उस पॉइंटर में नोटेड, उस पॉइंटर में ये नोट हो जाएगा पी आपका। इसके बाद एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अगर सपोजिंग किसी की वैल्यू, मतलब हमें A3 की एड्रेस निकालना है, मतलब कि अगर एरे में आपसे ये कह दिया जाए कि आपको बेस एड्रेस मालूम है और हमसे कहा जाए A3 का एड्रेस बताओ, यही तो होता है, आपको सारे एड्रेस तो स्टोर नहीं करने होंगे, आपको बेस एड्रेस बताओ होगा, तो हम कैसे कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं, यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
अगर हमें बेस एड्रेस पता है और हमें A3 का एड्रेस निकालना है, ठीक है, अगर हमें बेस पता है और हमें A3 का एड्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A3 सबसे पहले बेस एड्रेस, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस जिस का हमें एड्रेस जिस लोकेशन का निकालना है 3 स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है ये चीज, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर मतलब जो भी आपका डेटा टाइप होगा उसकी लेंथ, जैसे कि यहां पे स्केल फैक्टर क्या है, यहां पे इंटीजर है, यहां पे इंटीजर है तो स्केल फैक्टर क्या होगा, यहां पे अगर इंटीजर है तो स्केल फैक्टर क्या होगा, स्केल फैक्टर 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ब्लॉक होगा इंट आपका 2 बाइट, यानी कि एक ब्लॉक 2 बाइट का है, दो ब्लॉक 2, दूसरा ब्लॉक भी 2 बाइट का, 2 बाइट का, 2 बाइट का, तो जो भी स्केल, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अगर ये आपका फ्लोट होता, ठीक है, तो स्केल फैक्टर कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। अगर ये आपका कैरेक्टर होता तो स्केल फैक्टर 1 हो जाता, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बेस एड्रेस कितना गिवन है, 1000 प्लस 3 इंटू स्केल फैक्टर कितना इंटीजर का, 2, 1000 प्लस 6 कितना हो गया, 1006, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ A3। यहां पर देखिए A3 का बेस एड्रेस कितना है, 106, यहां पे कितना बेस एड्रेस है, 1006, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें बेस एड्रेस पता है, ठीक है, और हमें डेटा टाइप पता है तो हमें स्केल फैक्टर पता हो जाएगा। बेस एड्रेस पता है तो हम एरे की किसी भी पोजीशन का एड्रेस निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टू ड्राइव एड्रेस इनटू स्केल फैक्टर प्लस बेस एड्रेस, ठीक है। अब इंस्टेंट, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तो एरे की एड्रेस ही हो गई, एरे से हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब यहां पे आपने पॉइंटर का इस्तेमाल किया है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरे इंडेक्सिंग पॉइंटर कैन बी यूज्ड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैसे पॉइंटर, पी प्लस पॉइंटर हमने पी ले लिया, P+3, ठीक है, P+3। अब ये आपका एक पॉइंटर है, तो पहले तो आपने क्या किया, एस्ट्रिक P+3, ये क्या इंप्लाई करता है, ये आपका इंप्लाई करता है P+3 का जो बेस एड्रेस होगा, यानी कि A3। पॉइंटर P+3, पॉइंटर क्या करता है आपका, पॉइंटर गिव द वैल्यू ऑफ द एड्रेस। अब पॉइंटर का आप स्किप कर दिए तो P+3 क्या होगा, P+3 में A3 जो होगा, A3 का एड्रेस किसमें जाएगा, P+3 में। और जब आप इसके आगे पॉइंटर लगाएंगे तो क्या लगेगा, ये वैल्यू दे देगा इस एड्रेस की जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो पॉइंटर गिव्स द एड्रेस, पॉइंटर गिव्स द वैल्यू, और हम अगर पॉइंटर को हटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, एड्रेस कि वो P+3 क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें AI, जैसे कि हम एरे में लिखते हैं AI का मतलब I के वैल्यू 0 होगी, तो A0 फिर A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5 एंड सो ऑन। तो अगर हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे ये किसके बराबर होगा, हमें A1 की वैल्यू मिल जाती है, तो अब AI करेंगे तो AI की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको पॉइंटर के टर्म्स में लिखना होगा तो P+I, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंटर P+I। अब देखो यहां पे ये दोनों सेम रहेगा, AI जब हम A1 करते हैं तो A1 की वैल्यू मिलती है, जब हम A1 लिखते हैं तो A1 की वैल्यू मिलती है। अब हमको A1 पॉइंटर के थ्रू इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे A1, ठीक है, आई की कितनी होगी, 1, तो A, आप तो आप A1 आपको अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एस्ट्रिक P+1, ठीक है। तो यहां पे P बेस एड्रेस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरे इंडेक्सिंग वी कैन यूज अ पॉइंटर कि एस्ट्रिक P+I AI के जरिए पे, ठीक है। अब इसके छोटे से प्रोग्राम के थ्रू मैं लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एक प्रोग्राम मैंने सबसे पहले तो मेन मेन लिखा हमने, ठीक है, आफ्टर मेन हमने आईएनडी एक पॉइंटर को डिक्लेयर, एक एरे को डिक्लेयर कर दिया किसी भी साइज का, एक पॉइंटर को हमने डिक्लेयर कर दिया और एक आई को डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, आईएनटी ए फाइव, यही पे आप एरे को डिफाइन कर सकते हो, मतलब एलिमेंट्स को एंटर करवा सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, आपने पहले कर दिया। अदरवाइज आप चाहो तो रन टाइम में जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे उस टाइम पे आप इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, ये क्या करेगा, ये पांच बार लूप चलेगा, बिकॉज वी हैव टू एंटर फाइव वैल्यूज, स्कैन है कि हमने परसेंटेज जी लगाया कॉमा एंड ए ऑफ आई, ये चीज सब क्लियर हो गई है। ये क्या कर रहा है, ये अभी आई के वैल्यू कितनी है जीरो, तो पहली बार जो वैल्यू एंटर करेंगे वो ए जीरो पे जाएगा, ए जीरो ये क्या है एड्रेस, यानी कि ए ये इस एड्रेस पे ए जीरो स्टोर हो जाएगा, इस एड्रेस पे ए जीरो जो भी आपने एंटर किया होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमें एक पॉइंटर को पॉइंटर का एड्रेस भी डिफाइन कर देना है, ठीक है, ये क्या करेगा, ए जीरो का जो एड्रेस होगा वो पॉइंटर में पी में चला जाएगा। ठीक है, बेस तो आपके पास पी क्या है, पी जो भी पॉइंटर होगा उसका जो बेस एक जीरो वाली के एरे का बेस एड्रेस वो पी के पॉइंटर में चला गया। तो जैसे आप आई को, जैसे ही आप ए वन पर एंटर करेंगे तो ये भी आपका पी प्लस प्लस हो जाएगा। पी प्लस प्लस क्या है, पी प्लस प्लस जब आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं एस टी पी लिखा, ये तो पॉइंटर ये वैल्यू मान, ये सपोजिंग अगर इसकी ये आपका ए जीरो पे है तो ए वन पे जब आप जाएंगे तो आप इसको एस्ट्रिक पी प्लस वन करेंगे या पी प्लस प्लस। पी प्लस प्लस क्या करेगा कि जो आप जो भी इसका एड्रेस होगा वो इस वाले के बेस एड्रेस से नेक्स्ट इमीडिएट एड्रेस पे पॉइंटर को पॉइंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया एंट्री। अब इसके बाद अगर आपको पॉइंटर को फ्रेश भी करना है, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ परसेंटेज जी कॉमा, अब यहाँ पे हमें जो प्रिंट कराना है यहाँ पे हम ए आई लिख देते हैं। ए आई जब आप लिखते हैं दिस इज वॉट एरे प्रिंटिंग। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बेस को पॉइंट से रोटेट कर रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्ट्री पी प्लस आई, ठीक है, पी प्लस आई, और ये आपका ब्रैकेट वन मेन का। अब यहाँ पे दिस इज ये क्या हो गया, एरे का पॉइंटर से कनेक्शन हो गया। कैसे, यहाँ पे हमने जब इनपुट कराया था तो जो बेस एड्रेस था उसको हमने पॉइंटर के थ्रू नोट कर दिया और उसको पी में चला गया, तो अब जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो वो नेक्स्ट पॉइंटर पी प्लस प्लस में चला जाएगा, फिर पी प्लस टू में जाएगा, फिर पी प्लस थ्री में जाएगा। तो अब हम जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हमने क्या किया है, पी प्लस आई, पी क्या है बेस एड्रेस है, आई प्लस जीरो होगी तो ये पी का एड्रेस, और ये स्टार क्या प्रिंट करता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होती है। ठीक है, अगर स्टार नहीं होगा तो वो एड्रेस ही एड्रेस को प्रिंट कर देगा। ये क्या किया हमने पॉइंटर के थ्रू, इस पॉइंटर के थ्रू हमने क्या किया, पॉइंटर के थ्रू एरे का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यार इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे एरेज ऑफ पॉइंटर। ठीक, ओके, थैंक यू।